जोहर जोहार जय बाणा दे, जोहर जोहार। सभी सगजनों को मेरी ओर से सेवा 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 जोहार। तो साथियों, जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले यहीं YouTube पर एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी, जिस पर मैंने कहा था कि आपके मन में जो भी प्रश्न हैं उन्हें आप पूछ सकते हैं। पता नहीं कितने लोगों ने देखा, क्योंकि बहुत ही कम प्रश्न आए हैं, तो मैं उनका जवाब देने जा रहा हूँ। अगर जवाब में किसी भी तरह की त्रुटि पाई जाती है तो आप उसमें ज़रूर सुधार करवाइएगा। और हाँ, अगली बार जब भी मैं कम्युनिटी पोस्ट करूँ, यानी दूसरा Q&A लेकर आऊँ, यानी आपके प्रश्न और मेरे जवाब लेकर आऊँ, तो उम्मीद करूँगा कि ढेर सारे प्रश्न आपके मुझ तक जरूर आएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से वही प्यारी सी अपील कि वीडियो की जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करना नहीं भूलिएगा, और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो वीडियो की इस कड़ी में पहला प्रश्न जिन्होंने किया है वह है द ग्रेट नेचर। उनका कहना है, मुझे लगता है कि जिसे हम सात सगा कहते हैं, ब्राह्मण लेखकों के द्वारा उन्हीं सगा को सप्तऋषि कहा गया, आपकी क्या राय है? तो द ग्रेट नेचर जी, इस पर मैं कहना चाहूँगा कि आज से करीब 5000 ईसा पूर्व आर्यों का इस सिंगार द्वीप यानी गोंडवाना लैंड में आगमन हुआ, और उन्होंने सबसे पहले गांव-गांव भ्रमण करके भिक्षा मांग-मांग कर अपना जीवन चलाया। चूंकि उनका मकसद क्लियर था, इस सिंगार द्वीप में पूरी तरह से अपना राजपाट स्थापित करना और चलाना, तो उन्होंने भिक्षा के साथ साथ हम कुया वंशियों की संस्कृति का भी गहन अध्ययन किया, और जितना भी उनको लगा कि यहाँ पर हेरा फेरी की जा सकती है, बिना किसी प्रेशर के हम इन कुया वंशियों को इनकी संस्कृति से हटाकर दूसरी संस्कृति में ले जा सकते हैं, उन्होंने वही किया और अपना जाल फेंक कर कामयाब भी हुए। हम भोले भाले लोगों को उन्होंने कब खुद की संस्कृति से दूसरी संस्कृति में लपेट दिया पता ही नहीं चला। द ग्रेट नेचर आगे लिखते हैं कि इसी प्रकार जो 33 बच्चे थे माता कली कंकाली के, उन्हीं को 33 कोटि देव कहा गया, आप बताएं। तो इस पर मैं कहूंगा ग्रेट नेचर जी, जो माता कंकाली दाई के 33 कोटि बच्चे थे वो मात्र 33 ही थे, पर जो आर्यों ने अपना बताया वह 33 करोड़ देवी देवता बताया, जो कि सरासर गलत है। द ग्रेट नेचर आगे लिखते हैं, मैं जब तक हिंदू धर्म के अनुसार ईश्वर की पूजा अर्चना करता था तब तक काफी भेदभाव लगता था। जब से गोंडवाना के धर्म के हिसाब से देखने लगा हूँ, तब से सारे धर्मों के प्रति जो मेरे मन में भेदभाव थे सब खत्म हो गए, क्योंकि माँ प्रकृति ही श्रेष्ठ है, वही माया है, वही महामाया है, वही संसार को चला रही है। तो द ग्रेट नेचर जी, इस पर मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने धर्म को समझा और उस ओर वापसी की, और दूसरी बात कि गोंडी धर्म या कोया पुनेम का मार्ग प्रकृति सम्मत है। प्रकृति जिस प्रकार से किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, ठीक उसी तरह हमारा कोया पुनेम भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। जी हाँ, आप सही हैं, प्रकृति ही श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। द ग्रेट नेचर आगे लिखते हैं, ऐसा क्या कारण है कि माँ प्रकृति गोंडी धर्म की रक्षा करती है? आज लगभग 10 करोड़ साल हो गए और गोंडी भाषा है, जिंदा है, क्या कारण है बताइए। इस पर मैं यही कहूँगा कि गोंडी धर्म, गोंडी भाषा प्रकृति से ही निकल कर आए हैं, जिसे प्रकृति में निवास करने वाली हर एक चीज समझती है। प्रकृति है तो हम हैं, हम हैं तो प्रकृति है, इसलिए भाषा जिंदा है और प्रकृति के आशीर्वाद से आगे भी जिंदा रहेगी। अगला जो प्रश्न है वह है 13 रावण 777 की तरफ से। वह पूछते हैं कि शंभू शेख, जैसा TV सीरियल में दिखाया जाता है माथे पर चांद, जटा से गंगा, आई नो वो असल में ऐसे नहीं दिखते, प्लीज डिस्क्राइब शंकर जी हाउ लुक। आपका नाम है विक्रम पूरिया, आप हरियाणा से हैं। तो सबसे पहले विक्रम जी, मैं आपसे यही कहूंगा कि शंकर और महादेव में जमीन आसमान का अंतर है। चूंकि आपने शंभू शेख को लेकर पूछा है, तो मैं यही कहूंगा कि शंभू शेख की टोटल 88 जोड़ियों ने इस पंचखंड की धरती पर राज किया।
पृथ्वी पहले भी चपटाकार थी, पेड़ पौधे हरे भरे थे, पानी था, हवा था, सब कुछ था, कुछ नहीं बदला। वैसे ही शंभु युग में वो नॉर्मल इंसान थे, पर प्रकृति से उन्होंने बहुत सारी शक्तियां सीखी थी, उनके पास ज्ञान का भंडार था, इसलिए वे शक्ति के रूप में पूजे गए और उन्हें शंभु माधव यानी महादेव कहा गया। हमारे जो प्रथम शंभु थे उनका नाम था कोसोडुम, उनकी माता थी कलितुरा, पिता थे कुलित मारा, यानी इन्होंने कोख से ही जन्म लिया। इसका आशा यह है कि वह भी इंसान ही थे, बाकी लोग उन्हें जैसा देखना चाहते थे या अपने स्वार्थ बस उन्हें दिखाना चाहते थे, वह उस तरह ही उन्हें दिखाई। अगला प्रश्न है इंद्र प्रताप उइके जी की तरफ से, आपका कहना है कि गोंडी धर्म इस विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है, तो गोंडी धर्म को मान्यता क्यों नहीं दिया गया? तो उइके जी, आप और हम सभी जानते हैं कि गोंडी धर्म सबसे प्राचीन धर्म है, और रही मान्यता की बात, तो अगर इससे मान्यता मिल गई तो मनुवादियों के गलत इरादे कामयाब नहीं हो पाएंगे। बहुत लंबा उत्तर दे सकता हूँ इसका, पर यही कहूँगा कि अगर गोंडी धर्म को मान्यता मिल गई तो बहुत से लोगों के अरमान पानी में फिर जाएंगे। बाकी हमारे सगाजन इस क्षेत्र में प्रयासरत हैं और हम जीतेंगे भी। और दूसरी बात, गोंडी धर्म या कोया पुनेम को किसी भी तरह की मान्यता की जरूरत नहीं है। कोया पुनेम कल भी श्रेष्ठ था, आज भी श्रेष्ठ है और हमेशा सर्वश्रेष्ठ ही रहेगा। अगला प्रश्न है सूर्या बाली जी की तरफ से, आपका कहना है कि सरटिया, सोटिया या सरोटिया के गढ़ का नाम क्या है? तो सूर्या बाली जी, सरटिया का जो गढ़ है वह है कारीगढ़। आपका ही अगला प्रश्न है, राशि हिंदी शब्द है या गोंडी शब्द? तो राशि हिंदी शब्द है, गोंडी में राशि को बरेंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है अजय कोराम जी की तरफ से, आप पाली कोरबा छत्तीसगढ़ से हैं, इनका प्रश्न है मेरा गढ़ कहाँ पड़ता है, जीव कौन सा है जिसकी हम पूजा करते हैं, और साथ ही आप पेड़ भी हमें बता दें, हमारा पूजनी पेड़ कौन सा है। तो अजय कोराम जी, आपका जो गढ़ है वह है बाकलागढ़, जीव जिसकी पूजा आप करते हैं वह है आई थिंक मुर्गा, क्योंकि आपके गोत्र का प्रतीक चिन्ह जो है मुर्गी का अंडा है, और जो आपका पूजनीय पेड़ है वह है अखरोट का पेड़। इस क्यू एन ए का आखिरी जो प्रश्न है बहुत ही शानदार है, आखिरी जो प्रश्न है वह बालाराम संयाम जी की तरफ से है, आपका पता है ग्राम महुआ टोला, तहसील बैहर, बालाघाट, मध्य प्रदेश। आपका प्रश्न है कि भूरा भगत और कोतमादाई 11 भाई बहन हुए हैं, उन सभी के गाँव में क्या क्या कार्य हैं, पूरी जानकारी चाहिए। तो सबसे पहले बालाराम जी, भूरा भगत और कोतमादाई के 11 भाई बहन नहीं थे, बल्कि भूरा भगत और कोतमादाई के 7 पुत्र व 5 पुत्रियां हुईं, यह मिलकर ही 12 भाई बहन हुए, अर्थात उनके बच्चे मिलकर 12 भाई बहन हुए, जिनका नाम इस प्रकार है व उनके कार्य भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे बड़े भाई हैं कुंवारा भीमालपेन, जिन्हें हम गमसन देवता भी कहते हैं, और इन्हें काटी, मल्लयुद्ध, तंद्री विद्या, जोग और जितनी भी रहस्यमय शक्तियाँ थीं उनमें इन्हें महारत हासिल थी, और आज भी यह ग्राम के प्रमुख देवता के रूप में पूजे जाते हैं और पूरे गांव में एक सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। दूसरे जो भाई हुए जाटवा, जिन्हें हम ठाकुर देव के नाम से जानते हैं, और इनका जो कार्य है वह है पेनजल, भूमि उर्वरा परीक्षण, बीज परीक्षण और कीट पतंगी के गुणधर्म में ये ज्ञाता थे। कृषि के पूर्व जो बिदरी की जाती है यानी कि बीज परीक्षण किया जाता है वह जाटवा पैन के ही नाम से किया जाता है। तीसरे और चौथे भाई हुए हिरबाव केसवा, भैंस, पशु पक्षी, भेड़, बैल, गाय, बकरी, कुकरी, मुर्गी हम कोयतूरों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अगर आप गाँव से हैं, जब हम गाय चराने ले जाते हैं तो एक स्थान होता है जहाँ सभी जानवर रुकते हैं, जिसे खिरका कहा जाता है, यहीं पर खीला मुठवा के रूप में ये दोनों भाई पशुओं की रक्षा करते हैं, जहां हम दिवाली में इन्हें सेवार्जित करते हैं। पांचवे और छठे भाई हुए बाना भाजी भीमाल, गांव की सरहद और गांव के अंदर ये दोनों भाई हिफाजत करते हैं और दसों दिशाओं से आने वाली समस्याओं का निवारण करते हैं। आखिरी जो भाई हुए मुकोसा, यानी कि जो खेतों में निवास करते हैं वही मुकोसा पैन कहलाते हैं, उन्हें ही पहली फसल अर्जित की जाती है यानी कटाई करने से पहले उन्हें सेवा दी जाती है। इन 7 भाइयों की जो 5 बहनें हैं, उन बहनों में जो पहली बहन है मुगुरमाएँ,
मुंगुर माएँ जो कि मेड़ो दाई कहलाती हैं और मेड़ो में रहकर मेड़ो अर्थात गांव की सरहद वहां पर रहकर हम ग्रामवासियों की हिफाजत करती हैं। दूसरी जो बहन हुई पुंगुर माएँ, पुंगुर माएँ को अन्न धन की दाई भी कहा जाता है, यानी इन्हीं की कृपा से हम कोयतूरों के पास अन्न धन की कमी नहीं होती है। पंडारी माएँ अर्थात जो अन्न हमने एकत्रित किया है पंडारी माएँ वहाँ पर निवास करती हैं। कुसार माएँ अर्थात झिरिया पानी का स्थान घटवैया जो कि घाट रहती हैं उसे हम कुसार माएँ कहते हैं। सबसे छोटी बहन हुई हमारी खेरो माएँ। गांव को बसाने में अहम भूमिका खेरो माता की होती है और हमारी खेरो माँ सबसे बड़ी वैद्य जानकार थी। तो बालाराम जी ये हुआ शॉर्टकट में आपके प्रश्न का जवाब। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से सेवा जोहार।